इतना धीरे बोल रही है। एक मेरे ससुराल वाले हैं जिनकी लाउड स्पीकर लगा हुआ है सबके गले में, 4 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दे जाएगी। एक मेरे मायके वाले हैं जिनकी 10 सेंटीमीटर में ही आवाज नीचे गिर जाए, ढूंढ ऐसे कानों तक पहुंचेगी ही नहीं आपके, सब इतने धीरे धीरे बोलते हैं। बेटा बॉल किसका लेके आ गया? कौन आया खेली खेली करके? वाह! आज तो लाइशु इतना खेला ना। बॉल खेला आज तो मैंने। बड़े वाले लोगों का बॉल चुरा लिया, वो जो क्रिकेट खेलते ना उनका बॉल उठाया और अंदर मस्ती से खेल रही और लेके भाग गई वहां से। मैं बोला अरे बॉल देके आ तू वापस। ये देखो बना ना, अब लाइशु लाइशु थम 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 लाइशु लाइशु फिंगर्स उल्टा है। इतना बड़ा स्टार, इतना मोटा स्टार कोई बनाता है? कट गया? काट लिया आपने? काट लिया हाई गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। और ये संडे का व्लॉग नहीं है क्योंकि ये वीकडे व्लॉग है। आज ट्यूसडे है और हम ट्यूसडे को शूट कर रहे हैं। गौरव ऑफिस जाने वाला है और ये व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम वीकडेज को क्या करते हैं जब गौरव घर पे नहीं रहता। लेकिन आप लोग सोच रहे होगे कि एक और प्राणी जो हमारे व्लॉग में दिखाई दे रहा है सुबह से, वो कौन है? वो मेरी सौतेली बहन है। ये जो फंडा है ना, ये हमारे टाइम के सारे लोग करते थे अपने छोटे भाई बहन को। सोचा कि तेरे को कचरे के डब्बे से उठा के लेके आए थे। रुको मिलवाती हूँ, रुको मिलवाती हूँ। इधर आ। ये मेरी छोटी बहन है, मतलब सगी है, लेकिन हम इसको ऐसे बचपन में बोल देते कि तू सौतेली तक कचरे के डब्बे से उठा के लेके आए थे। इसलिए भी बोलते थे क्योंकि ये मेरे जैसी दिखती नहीं है। देखो मेरे को देखो और इसको देखो। मिलते हैं क्यों नहीं मिलते ना। ऐसा मत सोचना कि मैं ही इसके ऊपर ये सब इतना वो करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बचपन में ये करती थी मेरे ऊपर सारा मार पीट, ये सब कुछ गलत इल्ज़ाम और मेरी शिकायत लगाना, सब कुछ करना। बचपन मैं सीधी होती थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए अब मैं इसके साथ में ऐसा कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा हमारा रोल रिवर्सल हो गया है। बोल दे तू भी कुछ। नहीं, शक्ल पे ना जाए, इसकी शक्ल पे ना जाए, ये सिर्फ शक्ल। हम लोगों के साथ में पता है इतना प्रॉब्लम होता था कि जब हम छोटे थे ना तो ऐसा होता था कि मैं एक सेकेंड यार, हाँ हम लोग खांसी आ गई। हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि मैं घर में कम बोलती थी और मैं बाहर ज़्यादा बोलती थी। घर में बहुत ज़्यादा बोलती थी और ये बाहर कम बोलती थी, है ना? है ना? हाँ हाँ, ऐसा होता था। और अब ऐसा है कि ये घर में कम बोलती है, बाहर बहुत ज़्यादा बोलती है। बहुत ज़्यादा बोलती है और मैं अब घर में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और बाहर में बहुत कम बोलती हूँ। हो जाता है ये, सच है। बड़े लोग बड़ी बात है, थोड़ा जोर से बोल ले, जोर से। इतना धीरे बोल रही है। एक मेरे ससुराल वाले हैं जिनकी लाउड स्पीकर लगा हुआ है सबके गले में, 4 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई दे जाएगी। एक मेरे मायके वाले हैं जिनकी 10 सेंटीमीटर में ही आवाज़ नीचे गिर जाए, ढूंढ ऐसे कानों तक पहुंचेगी ही नहीं आपके, सब इतने धीरे धीरे बोलते हैं। मतलब मेरे को भी बहुत एफर्ट डालना पड़ा व्लॉगिंग के लिए कि थोड़ा मैं तेज बोलना शुरू कर दूं, थोड़ा वॉल्यूम तेज करूं, क्योंकि मुझे खुद को रियलाइज होता है मेरी आवाज़ नहीं आती कैमरा में, इसलिए। चलो भी बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, नहा धो लेते हैं। बाकी सब तो मेरा काम हो गया, वो तो आप लोगों को पता ही है, सुबह खाना पीना, नहाना धोना बाकी है, बाकी सब हो गया है। और गौरव को जो है अभी जूते मार के ऑफिस भेजना पड़ेगा क्योंकि रोज़ की बात है।
सुबह उठने के लिए तो मेरे को एफर्ट डालने पड़ते हैं, उस उठने के लिए नहीं, सुबह उसको उठाने के लिए तो मेरे को एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसको ऑफिस भेजने के लिए भी मुझे बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। क्या है आप कलर्स कर रहे हो, आप अकेले अकेले पढ़ाई करते हो? व्हाट व्हाट आपका व्हाइट इतना टेंशन में क्यों आता है बेटा? व्हाट ऑय ऑरेंज वाओ रेड रेड ये कौन सा कभी-कभी मैं सोचता हूँ आकांक्षा कि मतलब तुमको कितना खुशी होता होगा ना कि भगवान ने कितना वंडरफुल कितना हैंडसम कितना इंटेलिजेंट पति दिया है, एकदम हीरा दिया है, मतलब तुम्हारी तो लाइफ ही सुधर गई ना। मुझे मालूम है अच्छा, पर तूने कभी पहले मेरे को इस बात का तूने कभी ऐसा सोचा था क्या इतना इतना हैंडसम और इतना इंटेलिजेंट पति और इतना वंडरफुल पति मिलेगा तेरे को, कभी सोचा था तुमने? क्या हो गया, चाय लेके आ रही है? सो ऑल्सो इन केस यू थिंकिंग कि हमारा बड़ा इतना अलग सा रूटीन कैसे हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े बहुत नहीं मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि थोड़े टाइम बाद जब लाइशा स्कूल जाना शुरू करेगी तब हम लोगों को सडनली शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, विच वी डिड नॉट वॉन्टेड। मैंने जर्नल करने की आदत भी डाली है, बैठ जाती मैं थोड़ी, मैंने जर्नल करने की आदत डाली है, सो इट्स अ वेरी बेसिक दिस थिंग। तो इन केस यू आर वंडरिंग कि मैं सुबह क्या कर रही थी, तो मैं ये जर्नल कर रही थी। आई गॉट दिस वेरी बेसिक जर्नल फ्रॉम अमेज़ॉन और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं। ओके बट मेरा थोड़ा सा दिन थोड़ा बेटर प्लान हो जाता है। दिस आई हैव सीन, आई हैव बीन जर्नलिंग फॉर अ मंथ नाउ और मैंने देखा है कि मेरा दिन थोड़ा बेटर प्लान हो जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए मैंने, मतलब मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पतला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ है मैंने मेडिटेट करना शुरू किया है ताकि मैं थोड़ी सी काम और कंपोज रहूँ अगर मेरा पति मुझे रहने दे तो, और तीसरी चीज़ है जर्नल करना शुरू कर दिया है, चौथी चीज़ है मैंने इंटरमिटेंट करना शुरू कर दिया, कभी कभी मेरा स्किप हो जाता है बट आई एम कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट इन दिस जर्नल। तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी हम लोगों ने किए हैं, मतलब मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस है, एंड लेट्स सी कब तक कर पाते हैं हम लोग ऐसे। वैसे तो हम लोग बहुत ही आलसी और निकम्मे किस्म के लोग हैं, क्योंकि हम लोग पकड़ते हैं थोड़े दिन कुछ चीज़ करते हैं उसके बाद में छोड़ देते हैं, पर अभी फिर भी चलो एक महीने से तो हम लोग कर रहे हैं, तो लेट्स सी आगे कितना करते हैं। Cause I wish you didn't mean it. Under attack, running far, far away. And I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep. Endless pretend that nothing ever happened on that night. थोड़ी होता है, आप गुस्सा ही हो जाते हो अगर नहीं लगता है तो या टूट जाता है तो। आप भी लगा रहे हो, आप भी लगा लोगे? अच्छा, गुंडा। चलो निन्नू करो, चलो। No. No, क्या होता है, निन्नू तो करनी पड़ेगी। No. करनी पड़ेगी बेटा, चलो चलो निन्नू करेंगे। निन्नू, निन्नू। अरे वाह वाह क्या होता है इसमें,
सोने के नाम पे हुआ हुआ। अच्छा नौटंकी बस। बंदर सो गया है मेरा और बाकी भी सब कुछ मैंने निपटा लिया है। किचन डन, किचन क्लीनिंग डन, बर्तन आंटी आके करेंगी। यहाँ सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है, यहाँ सब कुछ क्लीन हो गया है। जो भी लाइशा ने खिलौने विलौने सब कराए थे वो सब भी सही कर दिया है। बाकी सब कुछ सेट हो गया है। मैंने अपना मेरा वर्क मोड ऑन हो गया है क्योंकि यही वो टाइम है, 1 से 1.5 घंटा मुझे मिलता है मेरे लिए, तो मैं जो मन करता है वो कर लेती हूँ। या तो मैं एडिटिंग करती हूँ या फिर मैं बुक्स रीड कर लेती हूँ। दिन में नैप लेने की मेरी आदत नहीं है, वो सिर्फ लाइशा लेती है। अब मैं जब तक थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ तब तक लाइशा को सोने दो और ये मेरा मी टाइम है। प्लीज़ लेट मी हैव इट फॉर माई सेल्फ। थैंक यू। ब्लू ब्लू फिश, रेड फिश, बॉय। It's from you don't gotta lie to me to get through. Pushing pull me off into the deep, and let's pretend that nothing ever happened on that night. Wow, papa aa gaye. Oh, are baap re. बता दो पापा को यहीं करने जाओ। पापा बोल दो यहीं करने जाओ। पापा बोल दो यहीं। सब आता है तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑफ लाइशा मी मेरा पति।